भी लोगों को पता है कि अब बारिश का सिलसिला शुरू होने वाला है, लेकिन अब जो इसको नए सिरे से तामीर जो किया जा रहा है, इसकी स्पेस काफ़ी चौड़ी है। तामीराती काम को मुकम्मल करने की हिदायत एडमिनिस्ट्रेटर कराची ने भी दी हुई है। और यहाँ पर जब ताहल हफ्ते या डेढ़ हफ्ते या चार या पाँच दिन के बाद अगर बारिश होती है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, इस वक्त मैं मौजूद हूँ 5 स्टार चौरगी की तरफ और यहाँ पर चल रहे तरक्याती काम की सूरत हाल आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए यहाँ पर आया हूँ। तो यहाँ पर पहले मैं आप लोगों को ये बता दूँ कि ये जो जगह है जहाँ पर नाली की कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब थी और यहाँ पर जो सूरत हाल थी, जैसे कि मलवा नाले के अंदर गिरा हुआ था, नाला टूटा फूटा था, जैसे कि आप सभी लोगों को पता है कि अब बारिश का सिलसिला शुरू होने वाला है, तो ताहल तरक्याती काम का जो सिलसिला है, जो खुसूसन तौर पर जो बरसाती नाले, उनको जल्द से जल्द तामीराती काम को मुकम्मल करने की हिदायत एडमिनिस्ट्रेटर कराची ने भी दी हुई है और उसके साथ जगह जगह पर काम को भी मुकम्मल किया जा रहा है। तो मैं ज़रा सा आपको काम की सूरत हाल में आप लोगों को दिखा दूँ। यहाँ पर मैं ये जो सामने आपको ब्रिज दिख रहा है, ये मुकम्मल 5 स्टार चुरंगी है और 5 स्टार चुरंगी से अगर हम सीधा जाते हैं तो लैंडिंग होटल चुरंगी आता है, जिसकी मैं ताहाल आप लोगों को अपडेट देता रहता हूँ। लैंडिंग होटल से लेकर 5 स्टार चुरंगी तक जो मुकम्मल जो तरक्याती काम था, जो जैसे कि उसमें बरसाती नाला और फुटपाथ, नया रोड, स्ट्रीट लाइट और इसके साथ वगैरह वगैरह तमाम तर वो सूरत हाल वहाँ से मुकम्मल करने के बाद अब 5 स्टार चुरंगी का जो नाला है उसको आगे शाहरा नूर जहाँ नाले से कनेक्ट किया जा रहा है, ताकि यहाँ पर जब ताहल हफ्ते या डेढ़ हफ्ते या चार या पाँच दिन के बाद अगर बारिश होती है तो यहाँ पर किसी किस्म की जो बारिश के बाईस जो सूरत हाल होती है उसके साथ तेज़ी के साथ निपटाने के लिए ये मुकम्मल इकदाम यहाँ पर किए जा रहे हैं। और इस नाले को, शाहरा नूर जहाँ के नाले को 5 स्टार चुरंगी के साथ जो नाला बनाया गया है उसको उसके साथ कनेक्ट किया जा रहा है, ताकि इस रोड पे जो मसला था, जो बरसाती टाइम पर जो इस नाले की कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब थी और यहाँ पर ताहाल बारिश हुआ करती थी तो यहाँ पर मुकम्मल पानी भर जाया करता था, जैसे कि आप सभी लोगों को पता है ये बात। लेकिन अब की बार जो बारिश होगी तो ताहाल हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि कराची का निज़ाम बहुत बेहतर होगा। थोड़ा सा मैं आप लोगों को ये दिखाऊं कि यहाँ पर एक मशीन यहाँ पर काम कर रही है, जबकि इसी नाले के साथ सामने भी एक मशीन काम कर रही है और डंपल भी, जो कि मलबा उठाने का काम कर रही है, जो मुकम्मल नाले की जो तामीराती काम को है वो आगे पहुँचाया जा रहा है। और अगर मैं इस रोड की बात करूँ तो ये असल में यहाँ से लेके सामने चुरंगी तक ये जहांगीर रोड है, जैसे कि यहाँ से ये 5 स्टार चुरंगी से लेकर सीधा आगे वाली चुरंगी तक ये पूरा जहांगीर रोड कहलाता है, जबकि चुरंगी से जो आगे वाला पट्टा है वो शाहरा नूर जहाँ रोड कहलाता है। तो उसके साथ मैंने जो पहले जो आप लोगों के साथ जो बात करना चाहा था शाहरा नूर जहाँ के हवाले से, तो वहाँ की भी जो मुकम्मल सर्विस रोड के हवाले से जो सूरत हाल थी वो मैं आप लोगों के साथ शेयर किया था कि सर्विस रोड को बहाल किया गया है, वहाँ पर भी जो नाले की रीडेवलपमेंट है वहाँ पर भी उस काम को मुकम्मल किया जा रहा है। तो थोड़ा सा मैं मशीन के करीब चलता हूँ, वहाँ से मैं आप लोगों को थोड़ा सा काम दिखाता हूँ कि कौन सा नाला है और किससे टच किया जा रहा है। ये मेन बिल्कुल 5 स्टार चुरंगी है। थोड़ा सा मैं इस मशीन से शोर थोड़ा सा ज़्यादा है यहाँ पर, ये मुकम्मल यहाँ से जो नाला आ रहा है इसको इस नाले के साथ ज्वाइन किया जाएगा, ताकि बरसाती, अब जो बारिश होने वाली है जाहिर सी बात है आप सभी लोगों को पता है, जो अब बरसातें होंगी तो इंशाल्लाह ताला हम उम्मीद कर सकते हैं कि यहाँ पर जो नाले की सूरत हाल है वो बेहतर होगी, जिसके बाईस पानी को किसी किस्म का कोई मसला नहीं होगा।
है जो कि काफ़ी तेज़ी के साथ चल रहा है और यहाँ पर तकरीबन एक से दो मशीनें काम कर रही हैं, उसके साथ डंपर भी यहाँ पर मौजूद है और पूरा मुकम्मल नाले को दोबारा नए सिरे से तामीरात किया जा रहा है ताकि यहाँ के जो मसले हैं मसाइल हैं उसको हल किया जा सके। एडमिनिस्ट्रेटर कराची जो कि ताहल अब हमारे रिपोर्ट में है कि उनको अब चेंज किया जाएगा, तो अभी जब तक वो यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटर कराची भी उसमें मौजूद हैं जब तक वो जितने भी तरक्याती काम को है मुकम्मल करेंगे और यहाँ पर मुकम्मल जितने भी तरक्याती काम है उसको ताहल काफ़ी तेज़ी के साथ यहाँ पर मुकम्मल किया जा रहा है। और जबकि ये जो सामने से जो ये नाला गुजर रहा है, थोड़ा सा मैं आप लोगों को बता दूं कि इस नाले पर जो कि इसकी स्पेस इससे पहले जो थी वो काफ़ी पतली सी थी, लेकिन अब जो इसको नए सिरे से तामीर जो किया जा रहा है इसकी स्पेस काफ़ी चौड़ी है और साइड के दीवारें भी इसमें काफ़ी मजबूत किस्म के किए जाएंगे। उसके अलावा सरिये की आप सरिया भी देख सकते हैं काफ़ी मोटा डाला गया है, जबकि वहाँ पर मशीन भी एक काम कर रही है। छोटी सी अपडेट थी मुकम्मल यहाँ के जो तरक्याती काम के हवाले से। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, अपने मेज़बान को इजाज़त दें, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।